चंपा देवी पार्क में आयोजित दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का मंगलवार को रंगारंग आगाज हो गया। महोत्सव का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया तथा महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद की संस्कृति, कला और साहित्य के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि महोत्सव हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इसमें न केवल पूर्वांचल की संस्कृति बल्कि यहाँ की अनेक हस्तशिल्प कलाओं, संगीत तथा अन्य विधाओं में दक्षता को प्रदर्शित करने का भरपूर मौका मिलता है। यह प्रतिभाओं को मुखरता प्रदान करने का एक सशक्त मंच होने के साथ साथ उभरती प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म की अद्भुत संभावना है और उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि चौरी चौरा में शहीदों की यादगार में एक भव्य एवं दिव्य म्यूजियम के निर्माण के साथ ही चौरी चौरा की घटना के शताब्दी वर्ष के आयोजन हेतु पूरे एक साल का भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोरखपुर महोत्सव के आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। गोरखपुर मंडल आध्यात्म समृद्धि, संस्कृति, ज्ञान, कला और संस्कृति का प्रतिबिंब है। साहित्य, कला से लेकर विज्ञान, संस्कृति आदि का प्रदर्शन महोत्सव में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से व्यक्तित्व को उजागर करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। सदर सांसद रवि किशन ने महोत्सव की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने गोरखपुर महानगर कि समस्त जनता एवं महोत्सव में आने वाले कलाकारों, प्रबुद्धजनों आदि को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया गया है तथा विभिन्न विभागों की लगाई गई प्रदर्शनी जन जागरूकता के दृष्टिकोण से बेहतरी प्रदान करेगा। इस मौके पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित सभी का स्वागत करते हुए कहा कि गोरखपुर जनपद आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र रहा है। पूर्वांचल की संस्कृति, कला, साहित्य एवं ज्ञान के संवर्धन व संरक्षण में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन निश्चित रूप से संस्कृति, पर्यटन व विकास के लिए सहायक होगा। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र प्रभार और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे माननीय मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश। स्वागत करती हूँ और बाबा गोरक्षनाथ की इस अभिनंदन, माननीय विधायक कैंपियर गंज जी फतेह बहादुर सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन और सभी महोत्सव समिति की ओर से। आइए हम सब एक साथ अपने राष्ट्र के सम्मान में खड़े हो। हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं Oh,
की कृपया। हमारे मीडिया मित्रगण और पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से आए भाइयों बहनों, ये एक गर्व का विषय है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के अवसर पर हम गोरखपुर महोत्सव 2021 का उद्घाटन कार्यक्रम यहां कर पा रहे हैं। सभी को विदित है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और उसका अनुपालन करते हुए ये आयोजन बहुत कम समय के भीतर में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया है। मैं उपस्थित अतिथिगण को सूचित करना चाहूंगा कि इस गोरखपुर महोत्सव 2021 में पूर्वांचल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक दार्शनिक परंपरा, वैज्ञानिक जो एक प्रादुर्भाव हुआ है, इन सभी को प्रतिबिंबित करने का ये द्विदिवसीय आयोजन है। इस आयोजन में कृषि मेला, उद्यान मेला, पुष्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, सरस मेला, विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देने हेतु विभागीय प्रदर्शनी, पूर्वांचल से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों की झांकी, स्वामी विवेकानंद जी की झांकी, महात्मा गांधी जी की झांकी, गोरखपुर के उदयमान फोटोग्राफर्स की झांकी के साथ साथ चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चौरी चौरा की घटना पर एक नाट्य मंचन भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही कैसे हम गोपालकों को आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे प्रिवेंटिव केयर को स्वास्थ्य में ज्यादा महत्व दें, कैसे इस जनपद में रेडीमेड गारमेंट्स का हब हम स्थापित कर सकें, इन सभी विषयों पर देश के विख्यात, इन सभी क्षेत्रों के विख्यात विद्वानों द्वारा सेमिनार्स का भी आयोजन किया जा रहा है। ये गौरव का विषय है कि इस दिवसीय आयोजन में आज माननीय पर्यटन मंत्री जी उपस्थित हैं। पर्यटन विभाग इस आयोजन का मूल स्तंभ है और पर्यटन और संस्कृति दोनों विभागों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सारी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं माननीय कृषि मंत्री और माननीय पर्यटन मंत्री से। दिल्ली से दिल्ली जा रहा था, यहाँ पर दिल्ली से कुछ लोग आए हुए थे, उन लोगों के साथ बच्चे भी आए थे, बहुत बड़े स्कूल के बच्चे आए थे। उससे उम्मीद हम लोगों को तोड़ना नहीं है। जिंदगी इंग्लिश में कहते हैं मूव ऑन, लाइफ मूव्स ऑन। आपको उस भय से निकलना है कि किस शुरू हुआ है। टीकाकरण यशस्वी प्रधानमंत्री जी 16 तारीख से दे रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, गोरखपुर आगे बढ़ रहा है, उम्मीदें आगे बढ़ रही है, होप पॉजिटिविटी के साथ। तो नीलकंठ भैया के साथ एक लंबी चर्चा फैल रहे संस्कृति को लेके, कलाकारों को लेके, लोक संगीत को लेके जो विलुप्त हो रही है, बहुत शानदार मेरी चर्चा, बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। चैती का बात भई, सोहर का बात भई, होली कैसे गाई, पछिया से लेके जौन जौन हमी का संगीत विलुप्त हो गई होकर ऊपर बहुत लंबी चर्चा भई और हम तो चर्चा करके चले गए। क्योंकि मैं हर मंत्री जी के यहाँ जाता हूँ, चर्चा करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है, आप लोग हमको जिता के भेजे हैं तो मैं दुआरे दुआरे घूमता रहता हूँ, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, वो मेरा काम है। मेरे पास बहुत सारे विचार रहते हैं, इसीलिए आप लोग हमको इतना 7 लाख के ऊपर वोट दिए हो कि हम जा जाके आप लोग का दिल का बात को भी समझाएं। हम चल गए, उकर बाद हम यहाँ आए और उनका पूरा हम नीलकंठ भैया कहीं देख ली मंत्री जी का सोच
जैसे महाराज जी ने बोला था कि क्षेत्रीय कलाकार हम उस पर आएंगे, आपको हम स्वागत करते हैं नीलकंठ भैया का। कृषि मंत्री जी के बारे में हम यह कहा कि हमारे चुनाव के टाइम ही जब आई ना तो हम इनकर पर्सनालिटी देख के इनके एकदम ताके लगे, सुंदर पर्सनालिटी रहे तो हम थोड़ा गिरा गए इनसे कि इनका पूरा एक प्रोफाइल इतना बड़ा जैसे हमारे नगर के विधायक जी बदौलन के बहुत लंबा इनकर संगठन के साथ इतिहास बा, हमके बतेलन कि कैसे चुनाव लड़बा का करबा, महाराज जी इनके यह प्रभारी बनौले रहना, उनकर जब साथ और आशीर्वाद हमके भेटाई चुनाव के टाइम पौने दो साल हो गए वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था उस वक्त, मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। एक होता है चुनाव का जो समय होता है कुछ पता नहीं होता है कि आप जीतोगे कि आप हारोगे, भले आप सुपरस्टार हो या बहुत बड़े नेता हो, क्योंकि ये जनता ही सब तय करती है। जो लड़ता है प्रत्याशी बहुत डरा हुआ होता है, भले वो आवाज बुलंद करके कुछ भी बोले, तो वो साथ जो आशीर्वाद मिला मैं कृषि मंत्री जी का भी भूलू मानी, आपका आभार रहेगा हमेशा। जयप्रकाश निषाद जी हमारे मित्र मिल गए, राज्यसभा में रहेंगे, वेरी नाइस हम्बल मैन, प्रचार में बहुत साथ दिए, जिनकी माता जी के नाम पर ये पार्क है, कैसे हमारे विधायक जी फतेह बहादुर जी जिनकी ये जब ये कृषि मंत्री थे, जब ये कृषि नहीं कौन मंत्री रहा, वन मंत्री थे तब मैं यहाँ शूटिंग करने आया था 2003 में, जब यहाँ बड़ा डर लगता था हमको, इसको ईस्टर्न शिकागो बोलते थे, यहाँ बहुत गोलियां चलती थी, तब मैं भोजपुरी का भोजपुरी ले लेके हम तो हमेशा गांव गांव घूमत रहे, क्योंकि भोजपुरी को मुझे बड़ा करना था, उसको जिंदा करना था, तब मैं फंस गया था कहीं पे कुश्मी जंगल में, वो अधिकारी ज्यादा पैसा मांग रहा था शूटिंग के लिए, तब हम इनके फोन किए, जान पहचान नहीं थी हमारे से, वो 1,00,000 रुपया मांग रहे थे, आप छुड़वा दिए, और वो शूटिंग वो गरीब प्रोड्यूसर भोजपुरी का बेचारा बच गया, उसके लिए मैं आज आपको मंच पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू। ऐसे मित्र डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल जी के बारे में आप लोग जानते हैं, अ वेरी सीनियर मैन, अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो भी गिलहरे की तरह हमारे चुनाव में लगे रहे। धन्यवाद आपका। हमारे मेयर साहब जेंटलमैन सीताराम जायसवाल जी वेरी हार्ड वर्किंग, उनकी उम्र पे मत जाइएगा, उनकी याददाश्त कितनी तगड़ी थी आप लोगों ने देख लिया, वो ऐसे चलते हैं और उनकी स्टाइल हमको बहुत अच्छी लगती है, एक वेरी इंग्लिश मैन, उनकी कैप वगैरह लाइक अ ब्रिटिश मैन वो रहते हैं, बट लेकिन बहुत शार्प हैं और बहुत ही फोकस रहते हैं उनके उस पर लीजिएगा। अब मैं उनके बारे में बात करूंगा जो कि इसको इतने कम समय में महाराज जी के हर टारगेट को ये दो व्यक्ति लोग पूरा करते हैं, और इन लोग डेफिनेटली रिगार्ड्स, इन लोग डेफिनेटली तालियों इनके लिए बजनी चाहिए, हमारे कमिश्नर महोदय जी अफकोर्स यस जोर से बजनी चाहिए सबके को, क्योंकि महाराज जी का अचानक आया कि कोरोना में पॉजिटिविटी देना है, भय निकालना है, और ये गोरखपुर महोत्सव होगा जहां की था कि नहीं होगा, नॉर्म्स के साथ, कोविड के नॉर्म्स के साथ, मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महाराज जी ने टास्क दे दिया इनको, और ये दोनों हमारे कमिश्नर महोदय और हमारे डीएम महोदय इमीडिएटली उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, और आज एक इतना सुंदर यहाँ पर एक माहौल बन गया। हम अभी विज्ञान भवन का हम अभी यहाँ पर उद्घाटन किए, आप लोग शॉक हो जाएंगे, आप लोग ये खत्म होता है तुरंत आप लोग जाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं विज्ञान भवन में अभी सुबह घूम रहा था प्रदर्शनी में, बच्चों ने ऐसे शूज बनाए, एक बच्चे वाराणसी के आए कि अगर बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान से कोई एंट्री करता है तो शूज के अंदर एक ऐसा सिग्नल है कि इमीडिएटली हमारे सोल्जर को, हमारे सिपाही को पता चल जाए कि किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया। ड्रोन कैमरा लोगों ने शुरू किया, जो ड्रोन यहाँ पर उड़ रहा है, ड्रोन उड़ा जा, ये ड्रोन एक कैमरा उड़ेगा देखना यहाँ पे, वहां बच्चों ने स्कूल के बनाया हुआ है, और ये सारी चीजें विज्ञान प्रदर्शनी में मिलेगी आपको। कृषि के लिए नगर विधायक जी ने बताया कि कैसे जैविक खेती, और कैसे प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी किसानी कृषि खेती को, और मंत्री जी कैसे बढ़ावा देते हैं, पूज्य महाराज जी जैसे, आप लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। ये महोत्सव के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं,
जैसे मैं क्षेत्रीय कलाकार रहा, मुझे आप लोगों ने सुपरस्टार बनाया, फिर मैं तमिल तेलुगु किया, हिंदी किया, मैंने स्पाइडरमैन की डबिंग भी की और आज मेरा इंटरनेशनल नाम हुआ, लेकिन मैं रहा एक गांव का मिट्टी के घर से निकला हुआ लड़का रवि किशन शुक्ला। रामलीला से सीता का रोल कर गया, मुझे मुंबई में मेहनत करनी पड़ी, बिहार में सुपरस्टार बना, फिर यूपी ने अपना, एक लंबी यात्रा रही। आप लोगों को यह जानना है कि मैं लोकल लड़का हूं, ये सारे बच्चे क्षेत्रीय बच्चे हैं, अपने बच्चे। हमारे प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग कोई भी अंग्रेज आ जाता है, हम लोग मुंह बाके उसको देखने लगते हैं। बाकी अगर आप अमेरिका में जाओगे, IIT सारे इंडियंस हैं, वहां के बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में जाओगे, टॉप जितने डॉक्टर हैं सारे इंडियंस हैं। नासा में जाओगे, सारे इंजीनियर्स इंडियंस हैं। वर्ल्ड के सुपर रिचेस्ट मैन इन अमेरिका, 7 रिचेस्ट मैन इंडियंस हैं। ब्रिटेन का रिच आदमी इंडियन है। हम लोग का दिक्कत क्या होता है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने भारतीय, अपने क्षेत्र के बच्चे, अपने क्षेत्रीय कलाकारों को बहुत कम आंकते हैं। यही कोई बॉलीवुड का आ जाएगा, हम लोग बौरा जाते हैं, हम लोग पगड़ा जाते हैं। लेकिन आपके बच्चे, आप लोग आज 4:45 बजे यहाँ काशी, कौन जगह बाहो मुक्ता काशी जाइया, चौरी चौरा कांड पर नाटक हो रहा, रंगमंच हो रहा। हमारे मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी और महाराज जी का आदेश था 100 साल चौरी चौरा कांड को होने जा रहा, और बच्चों ने क्या परफॉर्म किया। कल मैं रिहर्सल में था, यू मस्ट गो एंड वॉच, 5 बजे से होगा, और बच्चों को प्रोत्साहित करो। सारे गोरखपुर के बच्चे हैं, अनजान चेहरे। कल होगा विदेशिया नाटक, भिखारी ठाकुर, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, और लोक संगीत सुनिएगा, दिल खुश हो जाएगा। ये दो परफॉर्मेंस के बाद देखेगा, मैं दावा कहता हूं, ये हमारे बच्चे, ये गोरखपुर के बच्चे इंटरनेशनल नेशनल यही नाटक लेके जाएंगे। और मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली, वो बच्चे लोग सुन रहे होंगे जान, उद्घाटन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री नीलकंठ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोरखपुर के महापौर आदरणीय श्री सीताराम जायसवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी की पहचान दिलाने वाले लोक कलाकार से लोक नेता बने हुए भाई श्री रवि किशन शुक्ला जी, गोरखपुर के माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री जय प्रकाश निषाद जी, विगत सरकारों में मेरे साथ मंत्री रहे, विधायक रहे, पहले ऐसे आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, गोरखपुर महानगर के सम्मानित विधायक, लोकप्रिय नेता डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर के कमिश्नर श्री जयंत नार्लिकर जी, जिलाधिकारी पांडियन साहब, IG राजेश मोदक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, देवियों और नौजवान साथियों, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, आज यह महत्वपूर्ण दिन है जब 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसलिए मनाते हैं कि पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अध्यात्म और संस्कृति को पाश्चात्य जगत के बीच में जाकर के रखा ही नहीं,
अपने विचारों के द्वारा उनको प्रभावित किया, ऐसे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को मैं आज इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ। हमारा ये पूर्वांचल, विशेष रूप से गोरखपुर मंडल, अध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान, कला और संघर्ष का एक प्रतिबिंब रहा है। यह हमारी पुरानी विरासत है, जहां भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, भगवान जैन पैदा हुए, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या भी रही। कबीरदास जी की पुण्यस्थली है और देश के महान स्वतंत्रता संग्राम के भीतर गोरखपुर का योगदान जो रहा है चौरी चौरा कांड के माध्यम से, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और इस अवसर पर, इस गोरखपुर महोत्सव के दो दिवसीय कार्यक्रम पर, मैं अपने सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि साहित्य कला से लेकर के विज्ञान तक, संस्कृति से लेकर के हर, कृषि से लेकर के हर प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गई है और वो सब कुछ यहाँ के लोगों ने किया। आज ये गोरखपुर महोत्सव के माध्यम से उन्हें अपने व्यक्तित्व को उजागर करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है और ये प्लेटफॉर्म हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो विकास की एक लंबी धारा चलाई गई है गोरखपुर क्षेत्र के भीतर, अकेले गोरखपुर में 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं, विकास की परियोजनाएं, यही हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड जिसने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दिया और साल भर के भीतर उसका प्रोडक्शन हमारे बीच में आने वाला है। इस कार्यक्रम को एक अत्यंत ही स्फूर्ति के साथ और बहुत कम समय में पूरे लगन के साथ एक नया स्वरूप देकर के, पूरी सावधानी सतर्कता के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित कराने के लिए निर्णय करने वाले ऐसे आयुक्त एवं जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के आईजी एवं अन्य अधिकारी, पर्यटन विभाग के हमारे यहाँ के रविंद्र मिश्र जी, इन्होंने भी बड़ी मेहनत किया। भाइयों, सरकार बनी और 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, इस बीच का जो कालखंड था, इस कालखंड के बीच में अपने स्व के भाव को त्यागने के जो भी प्रयास हो सकते थे, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की समर्थित सरकार ने किया, अपने स्व के भाव को त्यागने के। भाई बहनों, स्वतंत्रता के पूर्व भी 7वीं सदी में जब प्रथम आक्रमण होता है भारत भूमि पर, उस 7वीं सदी के आक्रमण के बाद भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को ध्वस्त और नष्ट करने का प्रयास विदेशी आक्रांताओं ने किया था, लेकिन उस आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भी हमारे संत समाज ने, हमारे आध्यात्मिक पुरोधाओं ने, समाज के व्यक्तित्वों ने आगे आकर के अपने संस्कृति और परंपरा को बचाने का काम किया। और याद करिए, आप उस उच्च वृक्ष बीज के केंद्र के निवासी हैं। 12वीं सदी का वो आंदोलन जब राग भैरवी देखकर के इसी गोरखनाथ पीठ से हमारे संत समाज के लोग निकलते थे, सामाजिक समरसता का राग
सबको देते थे और सबको एक करके एक सूत्र में बांध करके भारत की अस्मिता और राष्ट्रवाद, भारत की सांस्कृतिक पहचान, भारत की आध्यात्मिक पहचान को अक्षुण रखने का प्रयास करते थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1947 से 2014 के बीच में नहीं हुआ। प्रयास किया गया, जो भी कर सकते थे सब किया। विकास की नई गाथा उन्होंने लिखने को प्रारंभ किया। अपने को भुला दो, अपने सांस्कृतिक पहचान को भुला दो, कुछ रूस से ले लो, कुछ अमेरिका से ले लो, कुछ दूसरे देशों से ले लो, किसानों को ले आकर के लाल गेहूं खिला दो, बीज की परंपरा बदल दो, जो हमारी पारंपरिक बीज थी, हमारे जो पारंपरिक उत्पाद थे। आप पूर्वांचल के रहने वाले हो, जरा याद करिए, आपके दादा चाचा बताते होंगे हमारे यहाँ गांव में मरुआ होता था, टांगन होती थी, कोदो होता था, सावा होता था, ये सब चीजें आज विदेशी भोजन है। कांग्रेस ने सबको नाश कर दिया। कांग्रेस ने हमारे विशिष्ट जो हमारे सांस्कृतिक, हमारे जो वास्तविक, हमारे देश के अनुसार जो आर्थिक रचना के उत्पाद थे उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी ने इसको कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? हमारे देश की विकास की रचना हमारे देश के अनुसार युगानुकूल देशानुकूल होगी। और लेकर के काम किया, प्रारंभ किया। देश की जरूरतें थी, किसी के पास आवास नहीं था, किसी के पास शौचालय नहीं था, कोई मां आग धुएं से आग के पानी पोंछती थी, आंसू पोंछती थी, तो गैस सिलेंडर दे दिया, निःशुल्क दिया, बिजली कनेक्शन दे दिया, जिसने फोन नहीं देखा बिजली का बिजली दे दिया, 18 करोड़ से ज्यादा शौचालय दे दिया, 3 करोड़ से ज्यादा मकान दे दिया, 10 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत से आच्छादित कर दिया। सभी काम 2014 से शुरू हुए। और अपने देश के अनुसार, अपने स्व के अनुसार देश के विकास की रचना प्रारंभ किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 से 2017 के बीच में जो सरकारें थी, इसको स्वीकार नहीं करती थी, इसको देखना नहीं चाहती थी, लागू नहीं करना चाहती थी। कुछ हजार में शौचालय बने थे, कुछ सैकड़े में आवास बने थे। लेकिन 2017 में जब आदरणीय मोदी जी की, कुछ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शपथ लिया, तो शपथ लेने के बाद एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। आप जरा याद करिए, 2017 के पहले यूपी की गणना जब होती थी, जैसे क्लास में जो फीसदी पढ़ने वाला रखा है ना, लोफरी करता है, बदमाशी करता है क्लास में, तो जब उसका रिजल्ट देखा जाता है तो नीचे
से देखा जाता है कि नीचे में किसने स्थान पर है। यूपी के बारे में अवधारणा बन गया था, प्रशिक्षण बन गया था 2017 के पहले। देखो यहाँ नीचे से कितने विकास की गति में नीचे, धान के उत्पाद में नीचे, गेहूं के उत्पाद में नीचे, मक्के के उत्पाद में नीचे, खेल में नीचे, स्पोर्ट्स में नीचे, हर चीज में नीचे से देखना शुरू करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ऊपर से देखा जाता है। डोमेस्टिक टूरिस्ट का प्रथम फेवरेट स्थल कौन सा है तो ऊपर से देखो यूपी है। नंबर एक पर अभी सर्टिफिकेट मिला, इसी साल मिला, 3 महीना पहले मिला। उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक टूरिस्टों के फर्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना गया। दूसरे नंबर पर विदेशी पर्यटकों की पहचान हो गई हमारी, 18वें 17वें नंबर पर होते थे, दूसरे नंबर पर हो गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नीचे से देखते थे, नीचे देखते थे कि कहीं यहाँ पर कोई आएगा तो कोई कट्टा सता देगा, झूठा करेगा, माफिया करेगा, कोई लूट करेगा, कोई मार करेगा, कोई सरकारी बाबू झुकाते रहेंगे, सबसे नीचे रखा। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो गया। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपनी अध्यापित जरा सोचिएगा, अयोध्या धाम प्रत्येक भारतवंशी, प्रत्येक वह व्यक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति आस्था रखता है, करोड़ों करोड़ की संख्या में, सैकड़ों करोड़ की संख्या में वो अयोध्या धाम कहता है। उस अयोध्या जी को हैदराबाद बना करके रखा गया। जब आप कभी जाते थे अयोध्या जी में, गलियों में जब घूमते थे जहां पर पूज्य संत समाज का रहना होता है, अखाड़े के लोग रहते हैं, वहां पर गलियों में नादान बहते थे, गंदी नाली बहती थी, नाक बंद करके जाते थे, सड़क टूटी हुई थी, कोई देखने वाला नहीं था। अयोध्या धाम को विवाद की भूमि बना करके विकास से वंचित कर दिया गया था, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार के आने के बाद वो अयोध्या धाम पुनः अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा और अयोध्या धाम में परिवर्तित हुआ, नगर निगम में परिवर्तित हुआ। और फख्र से कह सकता हूं कि 400 करोड़ से ज्यादा रुपए की परियोजना केवल अयोध्या धाम में पर्यटन विभाग की चल रही है, 400 करोड़ से ज्यादा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के सकारात्मक प्रयास से वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का निर्णय भी दे दिया, ट्रस्ट की रचना भी हो गई, भव्य और दिव्य मंदिर बनना भी प्रारंभ हो गया। लेकिन भव्य और दिव्य मंदिर के साथ साथ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का जो भाव है, उस भाव को लेकर के आदरणीय योगी जी आगे बढ़ चुके हैं कि अयोध्या धाम विश्व का सबसे सुंदर शहर, मथुरा वृंदावन ब्रजखंड किसी की जन्मस्थली उपेक्षित थी, 300 से ज्यादा स्थलों पर पर्यटन के, मैं केवल पर्यटन की बात, 300 से ज्यादा स्थलों का पर्यटन स्थलों का विकास ब्रज क्षेत्र में हो गया। चित्रकूट धाम वाल्मीकि जी का स्थल, वो अद्भुत स्थल, वहां पर चित्रकूट धाम में विकास नहीं होते थे, लेकिन चित्रकूट धाम चौड़ी चौड़ी सड़कों से जुड़ गया, लक्ष्मण झूला भी चलने लगा, घाट भी बन गए, मां मंदाकिनी का आरती भी प्रारंभ हो गया। और मध्य प्रदेश सरकार बात करके हमारे साथ उस बार भी उसका विकसित करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। साहिब जी की मनारत देखु से ये जन किए हुए आज यहाँ पर चिकित्सा के लिए बीएचयू पॉइंट करता है, अब एम्स यहाँ हो गया।
किया। इन गौरवमयी पलों की शोभा आप अपनी तालियों के माध्यम से बहुगुणित कर सकते हैं। जोरदार तालियां इन सुंदर क्षणों के लिए। प्रदेश सरकार को सम्मानित करें, उनका आभार व्यक्त करें, उन्हें सम्मान देकर। कार्यक्रम संभव नहीं था, हम लोगों का समय बहुत अल्प था, बहुत कम था। आर्थिक रूप से, सलाहकार के रूप से, हम लोग के गार्जियन के रूप से आपने मदद की है, आपको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूं सर। सूर्यप्रद साई जी, यहां का वरिष्ठ नेता जी, आप हमेशा हम लोग के किसी भी कार्यक्रम पे हृदय दिल से पार्टिसिपेट करते हैं। आज आप किसान का इतने उपलब्धियाँ विभाग माध्यम से दिए हैं, उसको आपने स्वतः बताए थे। इसके अलावा यहाँ आज का कृषि मेला पंडाल को भी आप शुभारम्भ करेंगे, आपके लिए हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। और हमारा लोकप्रिय सांसद जी रवि किशन जी, आप केवल सांसद के रूप से नहीं है, ऐसा कलाकार के रूप से भी हम लोग का मंच का आप अलंकृत करते हैं, आपको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। और हमारा सांसद जयप्रकाश निषाद जी, हमेशा हम लोग को सहयोग करते हैं, आपको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। और हमारा वरिष्ठ विधायक चैंपियन जी फतेहबद जी, इनके माता जी के नाम से ही हम लोग इसी ग्राउंड पे हैं, आपको भी हम हृदय दिल से धन्यवाद देते हैं सर। और यहाँ इसी क्षेत्र का जनपद ये विधायक जी राधेमोहन अग्रवाल जी, ऐसे डॉक्टर के रूप से हम लोग का सलाहकार के रूप से आप हमेशा सहयोग करते हैं सर, आपको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मेयर साहब सीताराम जायसवाल साहब, बिना आपका सहयोग से इस कार्यक्रम आयोजन करना मुश्किल था, ताकि आपका नगर निगम का कंट्रीब्यूशन हर पल में हम लोग का सहयोगी के रूप से रहता है, आपको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ मीडिया साथियों, जितने लोग हमारे जो यहाँ मंच पे कितने इन्फॉर्मेशन आप लाखों लोगों का पहुँचाते हैं, आपको मैं हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारा कलाकार साथियों, कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारा स्पॉन्सर्स और व्यापार मंडल का जो कितने लोग हैं, सभी को धन्यवाद। उसके ऊपर यहाँ गोरखपुर वासियों, बिना आपके सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिला प्रशासन एवं महोत्सव समिति के तौर से आपको हृदय दिल से धन्यवाद। जय हिंद। कहानी हमारे पूर्वज सबसे कहते आ रहे हैं, जब से गंगा पृथ्वी पर है, गंगा है तो हम हैं। और शिव की जटाओं से पृथ्वी पर लाने का सारा श्रेय भगीरथ को जाता है। कैसे संभाल ली, जिसके लिए सभी देवताओं ने, सभी देवी देवताओं ने, सभी भगवान ने मिलकर प्रार्थना की। भगवान प्यास प्यास में वास तुम्हारा, आस आस को तृप्ति तुम्हारी, सर सर कल कल रुंझन रुंझन, वेग है या संगीत सनातन, सदी सदी से गति तुम्हारी, युग युग का अभियान तुम्हारा, आओ गंगा पर्वत पर्वत।